हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज तकरीबन मेरा 11वां व्लॉग जो है ये शुरू हो गया और मुझे कोई यूट्यूब की तरफ से इतना खास रिस्पांस नहीं आ रहा, ना सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं ना व्यूज़ आ रहे हैं। तो आप लोगों से इतनी सी गुजारिश है कि बस मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कर दिया करो ताकि मैं मज़ीद वीडियोज़ बनाता रहूँ। मेरी वीडियोज़ पर रिस्पॉन्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं आ रहा था जिस वजह से मैं वीडियो नहीं बना रहा। अगर आप लोग रिस्पांस देंगे तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। आपके रिस्पांस करने से मेरा कुछ भला हो जाएगा, मेरे घर वालों का भी कुछ भला हो जाएगा। बस ये सोचकर आप सब्सक्राइब कर दिया करो। अब आप इसको जो भी समझो, पता नहीं मांग रहा है क्या कर रहा है, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सब्सक्राइब कर दिया करो यार। सब्सक्राइब करोगे तो मैं वीडियो बनाता रहूँगा। बगैर किसी चीज़ के, बगैर किसी लालच के इंसान कोई भी काम नहीं करता। हर इंसान हर काम एक लालच से करता है। आप जॉब पर जाते हो वो भी तो किसी काम के लिए जाते हो। अब अगर वहाँ पे काम करते हो, मजदूरी करते हो, या कोई भी एनीवन कोई भी आसान काम या मुश्किल काम करते हो, वो भी आप अपने लालच के लिए करते हो, कुछ पैसों के लिए करते हो ताकि कुछ हमारे पास आ जाएगा और कुछ कमा लेंगे हम, इसलिए करते हो ना। तो हम भी यूट्यूब पे इसी चीज़ के लिए आए हैं कि हम कुछ करेंगे तो हमें कुछ हासिल वसूल होगा। और वो मेहनत हम करेंगे, रिस्पॉन्स आप लोग दोगे, आप लोग हमारी वीडियो को लाइक करोगे, शेयर करोगे, अच्छे अच्छे कमेंट करोगे, तो फिर हम लोग वीडियो बनाएंगे। वरना फिर वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा है नहीं हमारा। इसी तरह हम वीडियो बनाते रहें, चैनल हमारा ग्रो होगा नहीं, हम ख्वार होते रहेंगे, कैमरा खोल के बस ऐसे ही जो है मोबाइल पकड़ के वीडियो बनाते रहेंगे, हाँ भाई यहाँ आ गए वहाँ आ गए, तो फिर इस तरह तो मज़ा नहीं आएगा ना। आप लोगों के जहन में मुझे पता है ये भी चल रहा होगा कि यार ये जो है यूट्यूब पर आता है, दो चार वीडियो बनाता है, बोरिंग सी, कोई रिजल्ट नहीं इसके मोबाइल का, कोई कुछ नहीं। तो यार गरीब से बनने हैं, सैलरी आती है, घर के अखराजात पूरे होते हैं। अब बाहर जाएं आप लोगों के लिए व्लॉगिंग करने, अभी से रिस्पांस नहीं आ रहा तो फिर क्या फ़ायदा। अगर आप लोगों का रिस्पांस मिलेगा, प्यार मिलेगा, मैं घर वालों को भी बताऊंगा कि यार मुझे यूट्यूब पे इतना प्यार मिल रहा है, मुझे कुछ जेब खर्ची दो ताकि मैं बाहर जाऊं, अच्छे अच्छे कंटेंट निकालूँ, वीडियोज़ भेजूँ ताकि कल को मेरा कुछ फ़ायदा हो। घर वाले बोलते हैं आपके लाइक व्यूज़ आ नहीं रहे, हम आपको ऐसे ही देते रहें, आप उड़ाते रहोगे, दोस्तों के साथ जाओगे, खाओगे पियोगे, उससे अच्छा है आप जो है बस घर में दो, आप अपने जैसे ज़िंदगी चलती है चलाते रहो। मैं उनको समझाता हूँ घर वालों को कि यूट्यूब का प्लेटफॉर्म एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, अगर मैं यहाँ पे निकल गया तो हमारे हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, लेकिन घर वाले इस चीज़ को समझ नहीं रहे। आप लोग सपोर्ट करेंगे तो मैं उनको ये चीज़ भी सबूत दे दूँगा। और मज़े की बात बताऊँ, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार पता नहीं कि क्या है, बंदा घर पर फारिग बैठा रहता है। तो आपको पता होगा कि मैंने पिछले व्लॉग में आपको बताया था कि मुझे जो है कंपनी की तरफ से छुट्टियां मिली हैं, मैं खुद से छुट्टियां नहीं कर रहा। और उसमें मैंने सोचा था, किसी दोस्त ने बोला था यार छुट्टियां हैं फारिग हो व्लॉगिंग कर लो, तो मैं उस चक्कर में व्लॉगिंग वगैरह कर रहा हूं। तकरीबन ये छुट्टियों के अंदर अंदर मेरा तकरीबन आई थिंक चौथा पाँचवा व्लॉग होगा जो मैं कर रहा हूँ छुट्टियों में। और मुझे आज तकरीबन 20 दिन होने वाले, मैं जॉब पर नहीं जा रहा, घर पर बैठा हुआ हूँ, बस ये यूट्यूब बना के अपलोड कर देता हूँ, फिर थोड़ी देर बाद देखते रहता हूँ कि यार कोई सब्सक्राइबर आता है नहीं आता। तो कहीं तीन चार दिन में कोई एक आधा सब्सक्राइबर आ जाता है, उसको देख के भी मुझे खुशी होती है। अगर आप सोचो एकदम से मेरे 100, 150, 200 सब्सक्राइबर होंगे तो मैं कितना खुश होऊंगा, आपकी मोहब्बत होगी। कहते हैं ना किसी की खुशी में खुश होना चाहिए। अगर मेरे पास एक सब्सक्राइबर आया और मैं खुश हो रहा हूँ और आप मेरी खुशी में खुश होंगे, आप मेरे चैनल को और सब्सक्राइब करेंगे, तो सोचें मेरी खुशी कितनी बढ़ जाएगी। और मुझे जब ज़्यादा खुशी होगी तो मैं अच्छी वीडियोज़ बनाऊँगा और आप मेरी वीडियोज़ देख के आप लोग भी खुश होंगे। मैंने सोचा था कि जिस दिन मेरे चैनल पे व्यूज़ लाइक्स वगैरह आने लग गए तो मैं उस दिन कुछ अच्छे अच्छे कंटेंट बनाऊंगा, मतलब लाइक्स कैसे जैसे कि फ़नी वीडियोस हो गई, इस टाइप के कंटेंट जो है मैं बनाता रहूँगा, शॉपिंग के कंटेंट हो गए वो मैं बनाता रहूँगा। बस आप लोग की सपोर्ट एक तो आप मिलना शुरू हो जाए, वरना मैं इस तरह खर्चे भी करूँ, मेहनत भी करूँ और मेरे पास कॉन्टेंट भी ना आए तो इस तरह मज़ा नहीं आता। तो आज भी मेरे छुट्टी थी, मैसेज रात को आए थे ग्रुप में कंपनी के, तो मैंने सोचा यार सुन लूँ, सबके शायद कंपनी ने बुलाया हो, क्योंकि घर बैठे बैठे यूट्यूब बना बना के तो कुछ हो नहीं रहा, चलो काम पे चले जाते हैं, घर पे वैसे बैठ बैठ के बोरिंग हो गई। मैसेज सुना तो वो कुछ और ही था, किसी और चीज़ की इन्फॉर्मेशन थी, एडवांस वगैरह थी कि भाई जिसने एडवांस मंगवाना है वो आ जाओ, ले जाओ एडवांस वगैरह। तो मैंने सुना मैसेज, मैंने कहा लो यार ये लोग भी नहीं बुला रहे, ये हमसे ज़्यादा डीट हो गए हैं। तो घर पर बैठे हैं, छुट्टियाँ अभी इंजॉय कर रहे हैं। अब मैं तो ये चाहता हूँ कि अब महीने डेढ़ तक और छुट्टियाँ रहें। अब आप सोच रहे होंगे कि यार ये क्यों बोल रहा है, परेशान भी है, बोर भी होता है, खुद बोलता है कि खुल जाए। अब मैं ये इसलिए बोल रहा हूँ कि महीने डेढ़ के लिए हमारी छुट्टियाँ और बढ़ जाएं, क्योंकि अगले महीने शादी, मुझे जाना है पंजाब, और इंशाल्लाह पंजाब जाके भी मैं व्लॉगिंग करूँगा। वहाँ एक शादी है छोटी सी तो नहीं है, शादी है बस, वहाँ गाँव देहात की शादियाँ ऐसी होती हैं, छोटी मोटी शहरों की होती हैं, बड़ी शादियाँ लोग इन्वेस्टमेंट पैसा खर्च करते हैं, वहाँ की शादियाँ हो जाती हैं 6-7 लाख में, छोटे मोटे खर्चों में हो जाती हैं। तो वहाँ पे शादी है, मैं चाह रहा हूँ कि मेरी कंपनी अगर खुल गई तो फिर मुझे तो छुट्टियाँ मिलेंगी नहीं। तो दुआ करना आप लोग भी कि जो है कंपनी की छुट्टियाँ बरकरार रहें, हमारी सैलरी वगैरह आती रहे,
और मैं पंजाब से होकर अपने काम वाम निपटा कर घूम फिर कर आ जाऊँ सकून से और फिर कंपनी ओपन हो जाए, फिर कोई मसले वाली बात नहीं। अब ये दुआ आप लोगों ने करनी है, बाकी आप लोगों की दुआओं से बहुत कुछ हो सकता है, आपका एक सब्सक्राइब करने से भी बहुत कुछ हो सकता है। बस आप लोग सब्सक्राइब कर दिया करें और मैं आपको अपनी लाइफ के बारे में मज़ीद आहिस्ता आहिस्ता थोड़ी थोड़ी चीज़ें बताता रहूँगा, जो मेरे जहन में आता है कि यार मैं ये चीज़ अपने व्यूवर्स को बता दूँ तो मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करता हूँ। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी जो मैंने आपके साथ शेयर करनी थी कि मुझे आप सपोर्ट करते हैं। वो तकरीबन आप लोग करेंगे नहीं करेंगे वो मुझे नहीं पता, आपके ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन मेरी तरफ से ये रिक्वेस्ट थी छोटी सी। थंबनेल के अंदर भी आपने देख लिया होगा कि यार ये बंदा सब्सक्राइबर की भीख मांग रहा है, चलो इसकी खोल के देखने ये क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है। तो ये गुजारिश है कि बस छोटी सी आप लोग अगर पूरी कर देंगे तो मोस्ट वेलकम, नहीं करेंगे जब भी मोस्ट मोस्ट वेलकम। इस मोबाइल से मैं वीडियो बनाता हूँ, ये मेरा मोबाइल वन प्लस का है। आप सोच रहे हो कि अरे दादा वन प्लस तो बड़ा महंगा मोबाइल है, कि यार वन प्लस में अच्छे अच्छे मोबाइल हैं, महंगे महंगे हैं, लेकिन मेरे पास जो मोबाइल है आई थिंक ये वन प्लस का सबसे सस्ता मोबाइल है नोट 900 का। इसका रिजल्ट कोई इतना खास नहीं है, 1080p ये तकरीबन वीडियो रिकॉर्ड करता है, और उसमें भी हम एडिट करेंगे तो ये पिक्सल तो फिर फटेंगे। तो अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे, मेरी जो है विश है कि सबसे पहली जो मेरी इनकम आए यूट्यूब से, या आप लोग की सपोर्ट के बाद जो भी किसी भी मुकाम पे पहुंचता हूं कहीं से मेरी इनकम आती है, तो मैं सबसे पहले अपना मोबाइल ख़रीदूंगा, अपनी वीडियो का जो है रिज़ल्ट अच्छा करूंगा, और उसके बाद देन फिर अच्छे अच्छे कॉन्टेंट निकलेंगे, रिज़ल्ट वीडियो का अच्छा आएगा, फिर हम खर्चे भी करेंगे अपने ऊपर, और फिर घर वालों को भी पता होगा कि हाँ यार अब ये लड़का कुछ कर रहा है, इसके पास कुछ आ रहा है, तो फिर घर वाले भी सपोर्ट करेंगे, लोग भी सपोर्ट करेंगे। अभी यार आपको मैं एक चीज़ बताऊं, अभी जो आपने पिछला व्लॉग मेरा देखा होगा, हम लोग बीच गए हुए थे समंदर पे घूमने के लिए, तो वहाँ पेट्रोल पंप वाली जगह पे मैं हम लोग पेट्रोल डलवा रहे थे, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, तो एक बंदा आया बोल रहा यार ये क्या है, कोई गाड़ी वाड़ी का पेट्रोल डलवा रहे हैं क्या, वीडियो शीडियो बना रहे हैं। तो मुझे वो बात बहुत बुरी लगी थी, यही वो लोग होते हैं जो इंसान को हेट करते हैं, और फिर इंसान जब ऊपर जाता है फिर दिल नहीं करता फैन फॉलोइंग से मिलने का, क्योंकि कुछ बुरे होते हैं कुछ अच्छे होते हैं। अब बंदा ऐसे तो चेहरे से तो किसी को पहचान नहीं सकता ना कि यार कौन सा मेरा जो है व्यूअर अच्छा है और कौन मुझे हेट करता है, तो इसलिए जो ऊपर चले जाते हैं फिर वो ज़्यादा दूर होने लग जाते हैं, कुछ ऊपर जाके ज़्यादा करीब भी आते हैं, कुछ इग्नोर करते हैं, कुछ इन चीज़ों को माइंड कर जाते हैं, तो वो मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। मैंने सोचा छोड़ो, अगर मुझे ये काम करना है तो ये मुझे छोटे मोटी जो हैं बातें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी, और वो पहली ऐसी बात है जो उसने मुझे बोली और मुझे वो बुरी लगी। YouTube पे बड़े से बड़े जो यूट्यूबर हैं ना वो भी इसी चीज़ के लिए वीडियो बनाते हैं कि हमारे लाइक आएंगे व्यूज़ आएंगे। एक तो यूट्यूबर होता है जो मतलब बहुत जल्दी फेमस हो जाता है, उसको पता है मैं कोई सी वीडियो बनाऊँगा मेरी वीडियो पर जो ना व्यूज़ वगैरह आएंगे लाइक आएंगे तो उसको इनकम होगी। और एक जो छोटे छोटे यूट्यूबर होते हैं मेरी तरह और भी बहुत सारे यूट्यूबर होंगे, आप उनको सपोर्ट किया करें। मैं ये नहीं कह रहा आप सिर्फ मुझे सपोर्ट करें, जितने भी छोटे यूट्यूबर हैं आप उनको सपोर्ट किया करें ताकि वो भी कुछ थोड़ी बहुत अर्निंग करके अपने घर वालों का हाथ बटा सकें। तो मेरे भी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जितने भी आपके यूट्यूब के अंदर आपके सामने छोटे मोटे यूट्यूबर आ जाते हैं तो उनको आप सब्सक्राइब कर दिया करें, उनकी जो है उनकी वीडियो पे अच्छे अच्छे कमेंट कर दिया करें, सब्सक्राइब लाजमी किया करें, क्योंकि सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट करने पड़ते हैं। इनका एक यूट्यूब का टास्क होता है, इनके जो है आई मीन के 1000-1200 सब्सक्राइबर आई थिंक होते हैं इनके, वो पूरे करने पड़ते हैं, और 4000 वॉच टाइम इस तरह कुछ होता है, तो वो पूरा करने के बाद जाके आपका चैनल ग्रो होता है। जब तक ये चीज़ें प्रॉपरली आपकी कम्प्लीट नहीं होती तो यूट्यूब आपको कुछ नहीं देता। तो बड़े बड़े जब जो यूट्यूबर हैं वो भी डायरेक्ट ऊपर नहीं आए, उन्होंने भी इसी तरह मेहनत दी, आप लोगों ने उनको प्यार दिया, वो लोग आज इतना काबिल हो गए हैं कि वो लोग अब छोटे मोटे यूट्यूबरों को सपोर्ट नहीं करते, आप लोगों ने ही उनको सपोर्ट करके इतना बनाया है, और आज आप लोग ही उनको मिलने के लिए तरसते हैं। तो ऐसे बंदे को आप सपोर्ट करें जो कल को आपकी फेवर करें, आपके लिए बोले, कहीं आपको मिल जाए तो आपसे अच्छी तरह मिले, हंस के बात करें, आपके साथ वीडियोज़ बनाए, तस्वीरें खींचे। कुछ लोग अच्छे भी हैं, अच्छे यूट्यूबर भी हैं जो छोटे छोटे यूट्यूबरों को जो है उनकी हेल्प करते हैं, उनके साथ वीडियोस बनाते हैं ताकि आपका चैनल भी ग्रो हो जाए। और कुछ होते हैं जो अपनी अकड़ में रहते हैं, नहीं किसी के साथ जो है नहीं पार्टिसिपेट करते, ना तस्वीर खिंचवाते हैं ना वीडियो बनवाते हैं। तो इंसान के अंदर हर तरह की क्वालिटी है, किसी के पास टैलेंट है वो अपने टैलेंट से ऊपर जाता है, किसी को आप लोग सपोर्ट करते हो, कोई अच्छी हरकतें करके ऊपर जाता है, कोई बुरी हरकतें करके ऊपर जाता है। तो आपसे उम्मीद है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे, इतनी लंबी कहानी मैंने आपको सुना दी, अगर अभी भी आप लोग के समझ में नहीं आता तो फिर आप लोग की मर्ज़ी है, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना। और ये तकरीबन हमारा 11वां व्लॉग बन रहा है, और इस व्लॉग में मैं इतना कुछ ऐड मैंने किया नहीं है, बस यही अपना सब्सक्राइब 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 के बारे में बोलता रहा हूँ। सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट भी आप लोगों ने करना है,
कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, किस कंटेंट में बनाऊँ, क्योंकि मुझे घर बैठे बैठे समझ नहीं आ रही होती कि मैं क्या वीडियो बनाऊँ, किस टॉपिक बनाऊँ और किस तरह की वीडियो बनाऊँ। अगर आप लोग मुझे थोड़ी बहुत मेरी हेल्प करोगे तो उसमें मेरा भी फ़ायदा हो जाएगा, आप लोगों का मशवरा जो है मेरे काम आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग मुझे सपोर्ट करोगे और पूरी एफर्ट से सपोर्ट करोगे और मेरा चैनल इंशाल्लाह बहुत जल्दी ग्रो भी हो जाएगा आप लोगों की सपोर्ट से। और आज मौसम भी बाहर बहुत अच्छा है, इसी अच्छे मौसम के साथ साथ आप लोगों से भी हम अच्छी तवक्को रखते हैं। मौसम आपको पहले दिखा देते हैं हम, ये देखें मौसम भी आज बहुत अच्छा है। ये आप एक और चीज़ देखें, सब बातें तो होती रहेंगी, कुदरत का निज़ाम देखें, ये पौधा कहाँ पे उगा है और देखें कितना बड़ा हो गया। कुदरत का निज़ाम है ये, कोई किसी को कोई रूटीन देता, कोई कुछ नहीं करता। अगर मेरे नसीब में होगा ये सब्सक्राइबर बढ़ेंगे, मेरा चैनल ग्रो होना होगा तो हो जाएगा, कुछ भाई आके मुझे सपोर्ट कर देंगे। नहीं होना होगा तो कोई भी मुझे आके सब्सक्राइब नहीं करेगा। सब्सक्राइब करना है और उसके बाद सब्सक्राइब के बटन पर दोबारा आपने क्लिक करना है, ऑल के ऊपर आप क्लिक करोगे तो मेरे जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचती रहेंगी। अगर मेरी कोई पुरानी वीडियो आपके पास मिस हो गई, आप नए व्यूवर हैं, तो वो भी आपके पास आ जाएगी। तो ऑल पे क्लिक करने का ये फ़ायदा होता है कि आपके पास हर पुरानी नई वीडियोस आपके पास आती रहती हैं। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करता हूँ, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी बात की समझ लग गई होगी। तो आप मेरे चैनल को लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब लाजमी करता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।